मौत का आंधी तूफान, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के कई शहरों में कहर बरपाया है आंधी तूफान ने। जी हाँ, देश के कई शहरों में और ज्यादातर शहरों में तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में आंधी तूफान की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में 13 लोगों की जान गई है। पूरे देश में आंधी तूफान के चलते करीबन 28 लोगों की मौत हुई है और आज भी मौसम विभाग ने आंधी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के भी कई इलाकों में जानलेवा आंधी तूफान ने दस्तक दी। राजस्थान के प्रतापगढ़ और झालावाड़ में तेज आंधी और बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे सड़क पर आ गिरे। राजस्थान की अगर बात की जाए, आंधी तूफान की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। लेकिन आंधी तूफान का खतरा टला नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। यहां एक बार फिर से जानलेवा आंधी तूफान आने की संभावना जताई जा रही है कि आंधी तूफान दस्तक दे सकता है। तो राजस्थान में 9, गुजरात में 9 और मध्य प्रदेश में 16 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा आंकड़ा जो है सामने आया है, जहां पर इतने लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और कितना भयंकर ये तूफान है आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से तबाही हुई होगी, किस तरीके से तड़प तड़प कर लोग मरे होंगे और देश के कई राज्यों में तूफान से ये तबाही मची हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में तूफान से तबाही मची है और तूफान ने किस कदर लोगों को मजबूर कर दिया। कुछ लोगों की जान भी चली गई और राजस्थान में 9 लोग, गुजरात में 9 लोग और मध्य प्रदेश में 16 लोगों की जान गई है। हिमाचल की अगर बात की जाए, हिमाचल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज हवा के साथ तूफान आ सकता है, ये मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया है, क्योंकि अभी तक जो तबाही मचाई है तूफान ने, जो जाने ली है तूफान ने, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी और भी तूफान आ सकता है, आंधी तूफान जो है जोरों से आ सकता है, ये मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में भी अलर्ट जारी है। तो मैदानी इलाकों की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, जहां पर आप खुद देख सकते हैं कितना भयंकर तूफान आया। और आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में भी संभावना जताई जा रही है। तो तूफान ने भारी तबाही मचाई हुई है और इसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री की ओर से भी एक घोषणा की गई है। गुजरात में बेमौसमी जो तूफान आया, इसे लेकर पीएम मोदी ने घोषणा की है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तूफान आने से कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, कई लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया है। गुजरात में भी 9 लोगों की मौत हुई है और इन 9 लोगों की मौत पर दुख जताया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परिवार वालों को भरोसा भी दिया गया है। पीएम ने परिवार वालों को भरोसा दिया है कि प्रधानमंत्री राहत कोष से उन्हें 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। ये घोषणा जो है गुजरात में जो 9 लोग मरे हैं उनके लिए की गई है। आपको बता दें, गरीब रूप से, माफ कीजिएगा, गंभीर रूप से जो घायल हैं लोग, उनके लिए भी घोषणा की गई है और 50,000 रुपए जो है उन्हें दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। जो गुजरात में मौतें हुई है उसे लेकर पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया है और गुजरात में जो बेमौसमी तूफान आया और इसकी वजह से 9 लोग जिनकी जान चली गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद मुहैया कराई जाएगी और जिन लोगों की मौत हो गई है उनके परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये पीएम मोदी ने घोषणा की है। तो वही एमपी के सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर इस ट्वीट को लेकर निशाना साधा गया। जो पीएम ने घोषणा की उसे लेकर निशाना साधा गया। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ की ओर से उन्होंने ये कहा है
कि ट्वीट करके पीएम मोदी ने ये जो घोषणा की है क्या ये सिर्फ गुजरात के लिए है। ये कमलनाथ की ओर से कहा गया है जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीएम ने ये जो ट्वीट किया है वो लगातार आपको दिखाया जा रहा है। मोदी जी आप देश के पीएम हैं ना कि गुजरात के, ये कमलनाथ ने निशाना साधा है जो कि मध्य प्रदेश के सीएम है। उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि क्या सिर्फ गुजरातियों के लिए ये घोषणा की गई। तो आप देख सकते हैं ये ट्वीट किया गया है देश के प्रधानमंत्री की ओर से, और इसी ट्वीट पर पलटवार किया गया है, इसी ट्वीट पर निशाना साधा गया है। क्या पीएम की संवेदनाएं सिर्फ गुजरात के लिए है, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब निशाना साधा जा रहा है उन पर कि सिर्फ गुजरात के ही प्रधानमंत्री हो क्या आप। इस तरीके की बात जो है कमलनाथ की ओर से कही गई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनका ये मानना है कि क्या सिर्फ गुजरातियों के लिए ये राहत राशि दी जा रही है, सहायता राशि दी जा रही है। और आपको बता दें इसके अलावा राजस्थान में भी 9 लोगों की मौत हुई है, मध्य प्रदेश में भी 16 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, मध्य प्रदेश में जिन लोगों की जान गई है उनके लिए कोई घोषणा क्यों नहीं की गई, ये मध्य प्रदेश के सीएम का कहना है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 16 लोग ऐसे हैं जिनकी जान गई है इस तूफान की वजह से, और कई लोग जो है घायल भी बताए जा रहे हैं, और घायलों को जो है सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन सिर्फ गुजरात के। ये पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि गुजरात में जो घायल हैं उन्हें सहायता राशि दी जाएगी 50,000 रुपए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो मृतक हैं गुजरात के जिनकी जान चली गई है उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे।